हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट और आपने अगर पिछला वीडियो देखा हिंदी का प्रश्न सेट ए, तो उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है हिंदी के प्रश्न पत्र सेट बी। और ऐसे ही प्रश्न आप लोग के वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न सभी सेटल्ड है, आप लोग से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या यह सभी जिला के लिए मान्य है, तो हाँ यह सभी जिला के लिए मान्य है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न बाकी हैं और उसके क्या क्या आंसर होंगे। जैसा कि यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोग को पता होगा कि मैंने 3 नंबर प्रश्न तक बता दिया है। अब 4th नंबर हम लोग को यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है, यूं भी कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कल्पना की ज़रूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं है, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है, कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध को अगर वजनदार बनाना है तो विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाएं, सूचनाएं तथा विभिन्न लेखों संबंध निबंधों से प्राप्त जानकारियां, इन सभी का यथास्थान उल्लेख करके निबंध को विचारपूर्ण बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे अच्छे निबंध के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कल्पना शक्ति की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो कल्पना शक्ति की अगर बात किया जाए तो किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक होता है। साथ ही किसी भी चीज़ को अगर अच्छे ढंग से करना है तो उसमें कल्पना की आवश्यकता होती ही है। अगला हम लोग देखेंगे तो कल्पना शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कल्पना अज्ञात लोक या अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है, कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से बढ़िया निबंध लिखा जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे क्या विज्ञान भी कल्पना आधारित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान भी कल्पना पर ही आधारित है। हम लोग कल्पना कर करके विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों को बनाते हैं और उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है आप लोग का, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो देश के लिए मर मिटने वाले किसी वीर पुरुष का वर्णन करें, अथवा निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पान बिना निर्मल करे सुभाए, इस दोहे का भावार्थ लिखिए। तो हम लोगों ने ऊपर वाला का आंसर दिया है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। यहाँ पे पुतनी लिखा हुआ जो कि बच्चे ने गलत लिख दिया है, पुतलीबाई था। उनका दादा का नाम उत्तम गांधी था और परदादा का नाम हरि जीवन गांधी। और यहाँ पे इसके बारे में जो थोड़ा सा लिख दिया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इसमें आप लोग चाहें तो आप लोग जोड़ सकते हैं, गांधी जी हमारे देश के वो महान पुरुष थे जिन्होंने हम सबको आज़ादी दिलवाई, साथ ही अंग्रेज़ों से बिना किसी लड़ाई पीट के जो है हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।